वेलकम बैक दोस्तों। वर्ल्ड वॉर यानी कि विश्व युद्ध, एक ऐसी जंग जहां सारे देश एक दूसरे से भिड़ते हैं और फिर होती है इस दुनिया की तबाही। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में ईरान और यूएस के बीच चल रहे तनाव को लोग वर्ल्ड वॉर 3 बताते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 है यानी ये तो फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कितना भयंकर होगा और वो कैसे होगा और उसके क्या परिणाम होंगे, आइए देखते इस वीडियो में। पहला विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। बहुत सारे देश इस वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे और इस वर्ल्ड वॉर को ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के अलायंस ने जीत लिया था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया को करारा हार मिली थी। इस पहले वर्ल्ड वॉर में 22 से 25 मिलियन लोग मारे गए थे और 20 मिलियन लोग घायल हुए थे। उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। एडॉल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल और बेनिटो मुसोलिनी जैसे बड़े लीडर्स के बीच लड़ा गया दूसरे वर्ल्ड वॉर में 75 मिलियन लोग मारे गए थे और बहुत सारे देश की तबाही हुई थी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उसके बाद भी इतने सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे देशों की तबाही हुई थी। आज के युग में हमारे पास इंटरनेट है, रोबोटिक जैसी टेक्नोलॉजी है, रॉकेट साइंस और फाइटर प्लेन्स है और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स है। आपको पता ही होगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया था, जिसका परिणाम आज भी दिख रहा है। ऐसे में अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो उसमें की दुनिया की कितनी तबाही होगी, ये आप जान ही सकते। पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर 4 से 5 साल तक चला था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 इतने साल तक नहीं चलेगा, क्योंकि आज लगभग हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और न्यूक्लियर वेपन्स कम समय में ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं। हाल ही में बहुत सारे देश के बीच आपसी झगड़े चालू है, आइए देखते हैं ऐसे महत्वपूर्ण झगड़े जो वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकते हैं। पहला, ईरान वर्सेस यूएसए एंड इसराइल। ईरान और इसराइल अपने धार्मिक झगड़ों के कारण एक दूसरे पर बॉम्ब अटैक करते जा रहे हैं। ईरान इसराइल को नेस्तनाभूत करना चाहता है, लेकिन इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्ट है अमेरिका, जिसने अभी अभी ईरान पर वापस अटैक किया है। अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की धमकी देता आ रहा है, लेकिन रशिया अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक का वापर करने से मना करती है। पर अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करती है तो पूरी दुनिया में जबरदस्त जंग शुरू होने की संभावना है। दूसरा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 1947 में अलग होने के बाद दोनों ही देश कश्मीर पर अपना मालिकाना हक मानते हैं, जिसकी वजह से कई आतंकी हमले, कई सर्जिकल स्ट्राइक और कई बार एक दूसरे से जंग छेड़ चुके हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोई जंग होती है तो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगी और दोनों ग्रुप में बड़ी जंग चालू हो जाएंगी। उसके बाद आती है नॉर्थ कोरिया वर्सेज चीन। नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच तनाव चलता रहता है। नॉर्थ कोरिया के हालात ठीक नहीं है, वहाँ का गवर्नमेंट भी लूज पड़ा है और वहाँ के लोगों की भी हालत बहुत ही खराब है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो जाते हैं तो अमेरिका का साउथ कोरिया के जरिए नॉर्थ कोरिया पर मालिकाना हक हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका और चाइना में भारी जंग हो सकती है। आज बच्चा बच्चा भी जानता है कि अमेरिका और चाइना कितने बड़े एक दूसरे के दुश्मन है। अगर अमेरिका और चाइना में भारी जंग होगी तो पूरी दुनिया उसमें शामिल हो जाएंगी और उसे कहा जाएगा वर्ल्ड वॉर। उसके बाद आता है रशिया वर्सेस यूएसए और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन कई सालों से अपनी जमीन के मतभेद के कारण झगड़ रहे हैं। रशिया एक सुपर पावर है जो अपनी मिलिट्री, न्यूक्लियर बॉम्ब्स और फाइटर प्लेन्स की इंफॉर्मेशन दुनिया से छुपा कर ही रखती है, इसीलिए रशिया के साथ लड़ना किसी भी कंट्री के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए यूएसए भी कभी रशिया से सीधी लड़ाई नहीं करती। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में अगर रशिया पहले आक्रमण करती है तो यूएसए यूक्रेन को सपोर्ट करने जरूर आएगी, जिसकी वजह से एक भयंकर जंग शुरू हो सकती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेगी, जिसका बहुत बुरा असर मेजर सिटीज पर होगा। न्यूक्लियर अटैक की वजह से सॉइल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और जिसका बहुत बुरा असर खेतों पर पड़ेगा। खेतों की ग्रोथ थम जाएंगी और हमें खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज तैयार हो जाएंगे, जैसे कि कैंसर, और जिसकी वजह से लोगों के लिए जीना नामुमकिन हो जाएगा।
वर्ल्ड वॉर थ्री की वजह से सारी कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन हो जाएंगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। वर्ल्ड वॉर थ्री के बाद सारी दुनिया न्यूक्लियर हो जाएंगी और सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएंगी। कुल मिला के अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होता है तो दुनिया तबाह हो जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि हर एक कंट्रीज को अपने आपसी मतभेद शांततापूर्वक मार्ग से दूर करनी होगी। आपको वर्ल्ड वॉर थ्री के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते उतना शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए और इस टाइप की और वीडियो पाने के लिए ब्रेन या सबूज में चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।